जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। नाउ स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। सो द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ओके, दैट वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट। सो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, बिकॉज यू हैव स्टडीड एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा है, फ्रॉम पोरिफेरा टू योर कॉर्डिटा, यू हैव स्टडीड डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जिसमें आपने देखा कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग जो है मैकेनिज्म होता, ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, विच डिपेंड ऑन द बॉडी स्ट्रक्चर और उनका द वे ऑफ लिविंग, हैबिटेट कहाँ पाए जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो वेरी करता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्यू ऑफ देम। फॉर एग्जाम्पल, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, फ्लैट वर्म्स, इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, दैट इज़ एंटायर बॉडी सर्फिस, पूरे बॉडी सर्फिस जो है दैट एक्ट्स एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अर्थ वर्म में बात करें तो मॉइस्ट स्किन होती है, इसके थ्रू एक्सचेंज होता है गैसेस का। इंसेक्ट्स में बात करें तो ट्रैकियल सिस्टम होता है, दैट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया एंड स्पारिकल्स, ठीक है, स्पारिकल्स होते हैं जो कि बॉडी सर्फिस पे प्रेजेंट होते हैं और उसके थ्रू एक्सचेंज होता है। नाउ पाइसेस हुए, एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स हुए, इन दैट केस इन दीज यू विल फाइंड गिल्स, ठीक है, गिल्स, यू ऑल नो एक्वेटिक एनिमल्स, जो भी एनिमल्स पानी में पाए जाते हैं, देयर द गिल्स आर यूज एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। नाउ लास्टली एम्फीबियंस, मैमल्स, सो हेयर लंग्स आर फाउंड। एम्फीबियंस में गिल्स और लंग्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, बिकॉज यू ऑल नो दे शो डुअल मोड ऑफ लिविंग, ठीक है, पानी में और लैंड में ये दोनों ही रह सकते हैं, सो दे नीड बोथ। व्हेन दे आर इन वाटर दे यूज गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, व्हेन दे आर ऑन लैंड दे यूज लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। नाउ लेट्स कम टू द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, नाउ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स विच टुगेदर मेक अ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स, फेरेंस, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाय, ब्रोंकियोल्स एंड फाइनली द एल्वियोलाई। ओके, नाउ दीज आर द ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ओके, विच मेक अप अ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सारे, इनको हम इकट्ठा अगर वाइंड अप कर दें, बिकॉज ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स रोल, ठीक है, सॉरी, ईच एंड एवरी ऑर्गन हैज़ इट्स रोल, तो ये टुगेदर जो है दे शो द रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ नेसल जो है, नॉस्ट्रल जो हैं, जो अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रल इज प्रेजेंट विच ओपन्स इनटू अ नेसल चैम्बर, नेसल चैम्बर में ओपन होती हैं, एंड दीज नेसल चैम्बर दे ओपन इनटू अ फेरिंग्स, एंड फाइनली फेरिंग्स किस में ओपन होता है? लैरिंग्स, जो कि वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स होता है, ओके, यहीं पे जो है साउंड प्रोड्यूस होती है। नाउ फाइनली दिस लैरिंग्स लीड्स इनटू अ ट्रैकिया, ओके, एंड ट्रैकिया जो है ये डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई में, ओके, एज यू मस्ट हैव सीन इन द डायग्राम, अगर हम डायग्राम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो आप देखते हो ट्रैकिया जो है दैट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, ओके, दे आर नोन एज ब्रोंकाई, एंड दीज ब्रोंकाई दे फर्दर डिवाइड इनटू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, ओके। नाउ ये जो ट्रैकिया है, दिस ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय अ कार्टिलेजिनस रिंग, ठीक है, ये जो ट्रैकिया होता है उसमें रिंग्स प्रेजेंट होती हैं कार्टिलेज की, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सपोर्ट, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कोलैप्सिंग, ठीक है, जब एयर नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो वो जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना हो, उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए रिंग्स होती हैं जो कि एक सपोर्ट की तरह काम करती हैं और उसको एक रिजिड सपोर्ट देती हैं, ओके। नाउ ब्रोंकियोल्स जो हैं, ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होता है, दीज ब्रोंकियोल्स फर्दर दे टर्मिनेट इनटू अ इररेगुलर वॉल्ड वस्कुलाइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई, ओके, उसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। नाउ दीज एल्वियोलाई आर द एक्चुअल साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहीं पे जो है एक्सचेंज होता है गैसेस का एल्वियोलाई पे, ओके। सो द ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई, दे कलेक्टिवली फॉर्म अ लंग्स,
ठीक है, लंग्स अगर अगर पूछा जाए कि लंग्स किससे बना हुआ है, तो लंग्स जो है दैट इज़ द ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्विलाई, ये सब मिल के तीनों चीज़ें जो हैं बनाती हैं लंग्स। ओके, सो नाउ लंग्स की बात करते हैं। लंग्स जो है, लंग इज़ कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है लंग्स के चारों तरफ, एंड दिस इज़ नोन एज प्लूरा। एंड विद इन दीज टू मेम्ब्रेन्स अ फ्लूइड इज़ प्रेजेंट, जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। नाउ ये प्लूरल फ्लूइड जो होता है, ये दिस फ्लूइड इट रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑन द लंग सर्फेस। ओके, लंग सर्फेस पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और ये जो डबल लेयर स्ट्रक्चर है, इसमें जो आउटर लेयर होती है वो किसके कांटेक्ट में होगी, हमारा जो थोरेसिक रीजन होता है, जो चेस्ट रीजन होता है, उसके कांटेक्ट में होगी, और जो इनर लेयर होगी दैट इज़ इन द कांटेक्ट ऑफ लंग्स। ठीक है, लंग्स के कांटेक्ट में होगी। ओके, सो नाउ नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नाउ जो कंडक्टिंग पार्ट हैं, जिनके थ्रू एयर कंडक्ट होती है, वो आपके नॉस्ट्रिल हो गए, फेरिंग्स हो गए, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। सो ये मेन कंडक्टिंग पार्ट हैं जो कि हेल्प करते हैं इन ट्रांसपोर्टिंग एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वेलाई। ओके, साथ ही साथ जो नेसल चैम्बर होता है, वहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, विच हेल्प इन ट्रैपिंग द डस्ट, रिमूविंग द फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर, देन ह्यूमिडिफाइंग इट, उसको एयर को ह्यूमिड भी बनाते हैं। ओके, एंड ब्रिंगिंग इट टू द टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो भी है उस, बिकॉज एयर जो आ रही है बाहर से, इट इज़ नॉट मैचिंग विद आर टेम्परेचर। तो ये जो नेजल चैम्बर्स होते हैं, वहाँ पे ही एयर जो है ह्यूमिड भी हो जाती है, टेम्परेचर जो है हमारे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसका जो है सेट हो जाता है। ओके, सो दिस अकर इन द नेजल चैम्बर। नाउ द एक्सचेंज पार्ट आर एल्विलाई। एल्विलाई में जो है एक्सचेंज होता है गैसेस का। इट इज़ द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। सो यहीं पे मेन एक्सचेंज होता है। ओके, नाउ जो लंग्स होते हैं, ओके, लंग्स जो हैं दे आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर। ये जो चेस्ट कैविटी होती है, इसको हम थोरेसिक चैम्बर भी बोलते हैं। थॉरेक्स, उसके नीचे होता है एब्डोमेन, तो लंग्स जो हैं उसी में प्रेजेंट होते हैं, और ये एयर टाइट चैम्बर होता है। ठीक है, एयर टाइट चैम्बर होता है। एंड दिस थोरेसिक चैम्बर, दिस इज़ फॉर्म्ड बाय अ वर्टीब्रल कॉलम। वर्टीब्रल कॉलम होता है डोर्सल साइड में, और वेंट्रल साइड की बात करें तो स्टर्नम प्रेजेंट होता है, और लेटरल साइड में रिब्स होती हैं। ओके, एंड लोअर साइड में उसके डायफ्राम होता है। तो ये सब पूरी तरह से एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये सेटअप है। ओके, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है लंग्स को। नाउ दिस इज़, आई थिंक विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कौन कौन से उसमें ऑर्गन्स होते हैं एंड हाउ दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। सो दिस इज़ ऑल स्टूडेंट, थैंक यू एवरी वन। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में वील बी टेकिंग अप द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सो थैंक यू अगेन।